गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज है मेरी बहन की बर्थडे और हमने थोड़ी सी डेकोरेशन वगैरह की थी, तो उसका मैंने व्लॉग वगैरह बना लिया। ये सारे डेकोरेशन का सामान है, छोटी छोटी कैंडल्स हैं। इनकी सबसे अच्छी बात ये थी कि ये ना फ्लेमलेस कैंडल है, मतलब लाइक जलेगी भी और सेफ भी है बच्चों के लिए। और ये जिस रूम में हम कर रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा सेफ रूम हमने चूज़ किया था। क्यों? क्योंकि ताकि लविजा को ज़्यादा पता ना चले कि हम मतलब इतनी डेकोरेशन वगैरह कर रहे हैं। बाकी हमने तो उसको रवाना कर दिया था कज़न्स के घर, तो उससे इतना मसला भी नहीं हुआ हमें, पर ये सेफ़ था। तो ये था क्यूट सा लव। हमने डेकोरेशन के पीछे भी यही लगाया था, मतलब बलून्स भी हमने लव के लिए थे और आगे भी हमने केक पर भी लव ही लिखा। इतना सामान था मैं देख के कुछ हो रहा था कि हम इतनी डेकोरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि हम बैठे ही रात के 2 बजे थे। और जो है इसमें से कुछ भी खास सामान नहीं बचा, सभी तकरीबन हमने डेकोरेशन कर दी थी सभी सामान की। और हमारी जो डेकोरेशन ख़त्म हुई थी वो हुई थी सुबह 7 बजे ख़त्म। उसके बाद जब हमने शुरू की तो ये था हमारा अब्बास, मैसा पीने मंगवा लेते थे कैसी, हमने पी कॉफ़ी और मूँगफली खाई और मज़े मज़े किए, उसके बाद बातें बातें की। उसके बाद 2 बजे हमने करा डेकोरेशन का काम शुरू। और सबसे मज़े की बात ये थी कि उसके दोस्तों ने उसको पता नहीं चलने दिया कि यार मतलब कल कुछ ऐसा है हमारा प्लान। उसके दोस्तों ने उसको ये कहा कि यार कल दावत है तो तुमने यहाँ जाना, मतलब उसका वहाँ जाने का प्लान था, उल्टा उसको यहीं पे सरप्राइज़ मिल गया। और हमने शुरू की डेकोरेशन। ये अनस और फरिया आपको बैठे हुए दिख रहे हैं, इन्होंने ज़रा सा भी काम नहीं किया, सिवा के बैठे बस इधर उधर देखा, बस ख़त्म, जाके सो गए। उसने बस एक ही गुब्बारा फुलाया। उसके बाद ये जो आंटी रुमैसा भी, अम्मी और मैं तो शूटिंग कर रही थी तो डेट्स वाई मैं नहीं बना पाई। और मेरा भाई फरजाम भी जाके सो गया था इनका साथ देने। ये मोमबत्ती को लिया है, इतनी रोशनी हो जाएगी इससे तो। अब इतनी क्यूट है, उठा के देखो। ये उन दिन के हो रहा, तुम लोगों ने ये जला के बैठे। और फरिया ऊपर चली गई, थोड़ा सा काम किया उसने, वो भी ख़राब कर दिया, वो भी अम्मी को बैठ के हटाना पड़ा। देन उसके बाद फरिया भी ऊपर चली गई। उसके बाद ये कर रहे हैं मज़े, रुमैसा आपकी सबसे ज़्यादा सैड रुमैसा आपकी। और मैं इस बात पे हो रही थी कि यार बेचारी लविजा को पता चलेगा कि हमने इतने पीछे मज़े किए हैं तो उस बेचारी पर क्या बीतेगी, बिकॉज उसको हमारे साथ बहुत मज़ा आता है, मतलब रुमैसा आप लोगों के साथ हमारे साथ, मतलब जब हम बैठ के बातें बातें करते हैं तो उसको बहुत मज़ा आता है। तो इस वजह से वो बेचारी मिसिंग थी, हम यही बातें कर रहे थे, थोड़ी सी तफरियाँ वफरियाँ कर रहे थे। रिसी में टाइम निकलता गया और हम सोच रहे थे कि यार हम क्या करेंगे, क्योंकि हम ऐसे टाइम पे बैठे थे ना कि बस हमसे कोई काम नहीं हो सकता था। उसके बाद 2 बजे आंटी भी लगी पड़ी है सफाई में। और ये तो भाई मस्त, ये भी करो, ये देखो क्या बात है, ये भी डलेगा, सब डलेगा, सब डलेगा बेटा, सब डलेगा। हाँ डालूंगी मैं मोबाइल से वीडियो कैसे, हाँ मेरा मोबाइल ही नहीं आएगा, नहीं पता। फरजाम की बदतमीजी देखें, मतलब इन लोगों को पहले पता ही नहीं था, फरजाम और इन दो लड़कों को ना, अनस और फरजाम को, वजह से हम सबको पता था बिकॉज ये हमारा ही प्लान था। तो इसकी बदतमीजी देखें, बोल रहा है कि नहीं अब मैं ये करूँगा वो करूँगा, मेरी क्लिप नहीं जानी चाहिए, फिर भी मैंने डाली है उसकी क्लिप, अब देखें वो क्या करता है। उसके बाद ये हमने छोटे से टाइम लैप्स बनाया अपनी मेहनत का। उसके बाद हमारी मेहनत हो गई कामयाब और ये थी वॉल डेकोरेशन हमारी। मैंने बना लिए थे थोड़े से ब्यूटी शॉट्स, डेकोरेशन की ब्यूटी शॉट्स, ताकि आप देख पाएँ कि हमारी मेहनत जो थी, मतलब व्लॉग में एवरीथिंग जो है, जो भी आपको अच्छी लगी वो ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स में बताने, मैं पढ़ूंगी ज़रूर। तो आपने कमेंट बॉक्स में बताने कि आपको डेकोरेशन, मेरी बहन का ड्रेस, सारी अरेंजमेंट सब कैसा लगा। उसके बाद यहाँ हो रही थी वेटिंग बिकॉज हमने लविजा को अंदर तैयार करने के लिए भेजा हुआ था। और ये आने वाली थी लविजा, सो हमने सारी लाइट्स बंद कर दी। और ये एंटर हुई लविजा, और लविजा भी लाइक के हैं, ये कब हुआ, मतलब ये
हाँ मतलब उसको पता चल गया था, बट उसको ये नहीं पता था कि मतलब इतनी अच्छी डेकोरेशन हुई भी होगी, और मतलब उसको ऐसी डेकोरेशन पसंद है कि मतलब बहुत अच्छी सी हो, प्यारी सी हसीन सी हो, तो वैसी डेकोरेशन थी। बाकी ये अम्मा उसको पहना रही थी क्राउन, ये भी मुझे बहुत पसंद आया था, मेरा दिल आया हुआ था इस पर। उसके बाद होने लगी केक कटिंग, नानी अम्मी लवीज़ा, और मैंने छोटी छोटी ज़्यादा केक कटिंग के वक्त मैं ज़्यादा नहीं बना पाई, बिकॉज मेरे हाथों में एक तो फ़ोन नहीं था पिक्चर्स लेनी थी, और बिकॉज फ़ोटोग्राफ़र ही मैं थी यार इस इधर की, ये नहीं मैं खड़ी हुई एक क्लिप में, बस मैं एक क्लिप आई है मेरी और एक पिक्चर भी नहीं आई मेरी बहन के साथ, बिकॉज फ़ोटोग्राफ़र ही मैं थी। और ये तो हैं अब्बास साहब, इन्होंने इतनी मस्तियाँ मचाई हैं, लाइक रात को भी जब ये सोया हमने तब डेकोरेशन शुरू की, कि वरना तो हमसे तो नहीं हो पाएगा। और अभी भी जो जो लोग आए थे उनके मैंने छोटी छोटी क्लिप्स लेके बना दी, शुक्रिया सबका आने के लिए और इस प्लान को कामयाब होने के लिए साथ देने के लिए, और रमेश साहब ने तो सबसे ज़्यादा मदद की। चलो जी, उसके बाद लग गया खाना, और खाने में चीज़ हांडी भी थी और बहुत ही मज़े की बनी थी, बट वो मिस हो गई। और जो जो लवीज़ी की फ्रेंड्स वीडियो देख रही हैं वो ज़रूर कमेंट्स में बताएंगी कि आप सबको खाना कैसा लगा, ज़रूर बताने। उसके बाद ये हो रहे थे लवीज़ा के जो है गिफ्ट्स ओपनिंग, सारे गिफ्ट्स नहीं दिखाए आई थिंक हमने इस वीडियो में, बिकॉज टाइम इतना नहीं था, व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाता तो इस वजह से थोड़े थोड़े गिफ्ट्स दिखा दिए, मतलब जो मेन और बड़े बड़े थे। तो ये था अब्बास की मामा का गिफ्ट, ये फैमी डांटी का गिफ्ट, और भी बहुत सारे गिफ्ट्स थे। और आपको सबसे बैड बात पता है कि मतलब मैं अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाई, क्यों? क्योंकि मैंने तैयारी कुछ नहीं करनी थी उस वक्त, बिकॉज मैं ज़ाहिर है मैं पढ़ती कैसे, पर मुझे एक वो था कि यार कल पेपर है मेरा, बस मुझे इस दुख ने ना मुझे इंजॉय नहीं करने दिया, बाकी इंजॉय तो खैर मैंने तब भी पूरा ही किया उस तरीके से। बाकी ये दिन होता है ख़त्म, ये था, और ये था हमारा छोटा सा व्लॉग जिसमें हमने सारी अपनी चीज़ें दिखाई कि हमने क्या क्या किया कैसे किया। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और जो चीज़ आपको जो पार्ट इस व्लॉग का अच्छा लगे तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा पार्ट अच्छा लगेगा, मैं पढ़ूंगी याद से। और अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।